वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, कभी कभी हमारे पास संसाधन होने के बाद भी हम उनका उपयोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में अभाव हमेशा के लिए बने रहते हैं। इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक बार की बात है, एक गुरु और एक शिष्य एक किसान के घर भोजन के लिए जाते हैं। भोजन करने के बाद किसान को धन्यवाद करते हुए गुरुजी उनसे विदाई लेने ही वाले होते हैं कि अचानक उनसे पूछते हैं कि आपकी ये पूरी जमीन खाली क्यों पड़ी है। तो इस पर किसान ने उनसे कहा, क्योंकि हम यहाँ पर कभी कोई खेती करते ही नहीं है। तो गुरुजी ने उनसे पूछा, फिर आपकी आय का साधन क्या है? तो किसान ने कहा कि ये जो भैंस खूंटे से बंधी हुई है, ये हमें दूध देती है, उस दूध को हम बाजार में जाकर बेचकर आ जाते हैं, इससे जो भी पैसा आता है उससे हमारा गुजर बसर हो जाता है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उनको धन्यवाद कहा और उनसे विदा ली। थोड़ा सा दूर निकले ही थे कि गुरुजी वापस लौटकर आए और उस भैंस को वहां से खोल दिया और वो भैंस वहां से निकल गई। उसके बाद शिष्य ने बड़े ही अचरज के साथ अपने गुरु से पूछा कि इस किसान ने हमें इतने अच्छे से खाना खिलाया था, हमारा आदर भी किया था, फिर आपने इनके साथ इतना बुरा क्यों किया? इनके आय का एकमात्र साधन ये भैंस थी, जिसको भी आपने खोल दिया, ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहा कि आज ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। एक काम करना, तुम 5 साल बाद वापिस यहाँ आना और इस किसान से पूछना कि इसकी हालत कैसी है। 5 वर्ष बीत जाने के बाद वो शिष्य वापिस उसी किसान के यहाँ जाता है और पूछता है, याद है आपको, आज के 5 साल पहले हम आपके यहाँ मेहमान ठहरे थे। किसान ने कहा, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? जब आप आए थे तो लक्ष्मी साक्षात हमारे घर आई थी और उसके बाद से हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। आप देखिए, आज मेरा खेत कैसी फसलों के साथ लहला रहा है, पूरी जगह हरियाली हरियाली है और हमारा घर भी इतना अच्छा बन गया है। इस बात का रहस्य पूछने पर किसान ने बताया कि जब आप यहाँ से गए थे तो अगले दिन हमने देखा कि हमारी भैंस वहाँ से गायब थी। उसके चले जाने के बाद हमारे कुछ दिन बड़े ही मुश्किलों से गुजरे थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि क्यों न हमारी इतनी बड़ी जमीन को हम कुछ तो उपयोग में ले। फिर हम सब घर वालों ने मिलकर यहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया, उसमें फल और सब्जियां उगाना शुरू कर दी और फल और सब्जियों को बाजार में ले जाकर बेच दिया, उनसे हमें अच्छे दाम मिले। उसके बाद धीरे धीरे हमारा मुनाफा और अधिक बढ़ने लगा और हमारे घर के हालात भी सुधरने लगे और आज देखिए, हम फल और सब्जियों के बड़े विक्रेता बन गए हैं। तो इसके लिए मैं आपके और आपके गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। शिष्य को गुरुजी की कही 5 साल पुरानी बात याद आ गई और उसने भी मुस्कुराते हुए वहां से विदा ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब तक हम अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर नहीं आते हैं, तब तक हमारे हालात वैसे ही बने रहते हैं। अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह नई नई कहानियों के साथ मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियां।